So, जय हिंद आदित्य, क्या हाल है आपके? मैं बढ़िया सर, आप बताएं सर। भी बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है तो आपसे। ठीक है, दिल्ली इवेंट के बाद हम दोबारा मिले हैं, हम है ना। सर काफी अच्छा लग रहा है सर, मतलब आपसे बात करके। दिल्ली में भी बात करी थी उससे पहले तो सर 4 महीने ऑफलाइन, अब सीधा सर ज्वाइनिंग से पहले बात करने पर अच्छा लग रहा है सर काफी। ठीक है, तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आदित्य चौधरी इज वन ऑफ माय ऑफलाइन स्टूडेंट। तो ऑफलाइन हमारे से टीम अर्पित से रिटर्न की तैयारी करके गया था बच्चा। एंड ऑल इंडिया रैंक कितनी है आदित्य आपकी, आप बता दो। एनडीए में सर AIR 189 सर। 189 AIR है, और आपकी प्रेफरेंस क्या है? आर्मी। यस सर, आर्मी सर। ठीक है जी, और मेरिट इन भी आदित्य हो गया है, मेडिकली बिल्कुल फिट है एंड विल बी ज्वाइनिंग नेशनल डिफेंस अकेडमी वेरी वेरी सून। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आदित्य, जो आपने सपना देखा था। और आपके बहुत सारे बैचमेट इनफैक्ट ऑफलाइन में थे, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सिद्धांत हो गया, निकुंज हो गया, ठीक है, उसके बाद तुषार तलन हो गया, तो काफ़ी सारे इसी के बैच के बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ के गए थे एंड वो जो है अब अकेडमी में है। तो अब नेक्स्ट नंबर आदित्य का है, आदित्य भी ज्वाइन करेगा। तो आदित्य, इसी जर्नी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस छोटे से इंटरव्यू कम डिस्कशन सेशन में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं कि आपको व्हाट मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब क्या मोटिवेशन रही है आपकी कि आप एनडीए की तरफ गए? सर जो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन है सर, वो मेरे घर से ही आता है। कभी जो मेरे फादर हैं वो रिटायर्ड NSG कमांडो हैं सर, ब्लैक कैट कमांडो सर, फ्रीडम गार्ड्स में सर सर्विस करने के बाद। तो उसके बाद सर मैं आर्मी स्कूल में सर 12 साल आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ सर, APS उत्तराखंड। तो सर जैसे हम एनवायरमेंट जो बचपन से है ना वो फौज वाला ही है। तो जैसे मेरे पापा तो रिटायर्ड हवलदार थे, तो प्रेफरेंस तो ये रहेगी कि मैं भी फौज में ही जाऊँ बट और हायर रैंक पर जाऊँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो 12th के बाद है वो NDA है बिल्कुल सर। ये भी था तो स्कूल में भी हम रहते थे तो काफी मोटिवेशन रहता था। जैसे रिपब्लिक डेज वगैरह पे जो हमारे जो गेस्ट आते थे सर, वो चेयरमैन सर वगैरह, वो ब्रिगेडियर रैंक वगैरह के भी होते थे ना, तो वो भी हम गाइड करते रहते थे टाइम टू टाइम। तो सबसे बेस्ट जो मोटिवेशन था हमारा स्कूल और घर ही था सर, वही था सर, वहीं से करना था सर। ओके चलिए, तो मोटिवेशन तो आपको घर से ही मिली, आप फौजी बैकग्राउंड से आते हैं, फादर को देखता है। सबसे पहला बच्चा जो लड़का होता है वो आइडल अपने फादर को ही मानता है, तो फादर को देखता है, फादर के लक्ष्य कदम पे आप बढ़े और आपने फौज ज्वाइन करने का सोचा। बहुत बढ़िया, आर्मी स्कूल में आपकी जर्नी रही। तो APS में तो एक कल्चर रहता ही है आर्मी का, ये तो बात सही है, मैं भी खुद एक APS स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है ना, नाम के आगे ही आर्मी जुड़ जाता है ना सर, नाम से पहले ही आर्मी आ जाता है। आर्मी पब्लिक स्कूल से बचपन से ही बिल्कुल 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 मोटिवेशन रहता है सर हमेशा से। बिल्कुल। तो आदित्य आगे बढ़ते हैं यार, मतलब तैयारी आपने रिटर्न की कब से स्टार्ट करनी स्टार्ट करी? सर जो मेरा 12th वाला अटेम्प्ट था, जो 12th का सेकंड अटेम्प्ट था वहां से स्टार्ट किया था। तो जो मेरा इनिशियल अटेम्प्ट वो वाला तो क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद वाला क्लियर हुआ था जब मैं ऑफलाइन गया था, उसके बाद वाला क्लियर हुआ था। उससे ओके पहले भी सर मैंने अनअकैडमी पे आपके जो कोर्सेज थे वो लिए थे, पर 5-10 नंबर से रह गया था सर उसमें कट ऑफ में। तो तो आप सर अनअकैडमी पहले ज्वाइन किया तो 5-10 नंबर से रह गए थे, काफ़ी तैयारी इसकी हो गई थी बच्चे की, फिर ये ऑफलाइन आया तो इसका क्लियर हो गया रिटर्न। वेरी सर गुड। रिटर्न ठीक की है सर। कुछ टिप्स देना चाहोगे आप? मतलब मैं तो स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं, रिटर्न आपने मेरे से तैयारी करी, पढ़ा टीम अर्पित से, वो तो बात सही है, कुछ पर्सनल अपने टिप्स देना चाहोगे बच्चों को? सर पर्सनल टिप्स यही देना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या स्किप करना है ना, कि सबसे पहले जो कोई भी मैथ हो चाहे GAT हो, तो सर जो मैथ में मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं पहले उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर एंड में कुछ रह भी जाता है तो कम से कम ज्यादा नुकसान ना हो वेटेज वाइज। जो ठीक है पहले जो ट्रिग्नोमेट्री प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद जो एलजेब्रा वाला पोर्शन ये पहले कर लो, क्योंकि हाई स्कोरिंग रहता है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल भी 15-20 क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के भी इतने आ जाते हैं, स्टैट्स के भी काफी आ जाते हैं, तो पहले इनको रखो। तो जो अगर एंड में नहीं भी हो पाता है तो इतनी कोई इशू नहीं रहेगा, कम से कम कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा। सबसे मैथ का तो ये रहता है, और जो दूसरा रहता है वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस रहता है काफी, क्योंकि नॉलेज तो सब कर लेते हैं पर जब OMR में टिक करने की बारी आती है ना तो काफी लोग उसमें नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ OMR में नॉलेज चेक नहीं होती, काफी चीजें होती है ना कि आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, दो एलिमिनेट कर लिया, वो प्रैक्टिस से ही आता है। हाँ बिल्कुल सर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कंपल्सरी है सर। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस के लिए कोई रेफरेंस बुक आप रेफर करना चाहोगे बच्चों को, मैथ और GAT दोनों के लिए? सर मैथ्स के लिए तो सर सबसे पहले स्टार्ट अगर कोई बेसिक से कर रहा है तो RS अग्रवाल कर लो, बहुत ही बिल्कुल बेसिक किताब है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप के लिए सर। तो एक बार RS अग्रवाल से कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे तो उसके बाद जो एक 3000 भी आती है सर मैथ्स के लिए, लेवल 1 लेवल 2। तो सर हम ऑफलाइन में भी आपके साथ वही करते थे लेवल 1 और लेवल 2, और सर ये जब कंसेप्ट बिल्डअप हो जाते हैं तो एंड में रिविजन के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं 14 ईयर्स दिशा पब्लिकेशन वाली वाली करते थे,
सर उसी से हो जाता है मतलब। बिल्कुल और यस सर, और जीएटी के लिए सर कार्तिक सर ने बुक बताई थी 10,000 करके, वो टेन भी सर थाउजेंड जीएटी एमसीक्यू आती है दिशा की वो। की सर। तो सर उसमें सारे एग्जाम्स के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के उसमें प्रीवियस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो जीएटी वाला मोस्ट ऑफ उसी से हो जाता है सर। और इंग्लिश के लिए सर जो धीरज सर के जो वोकैबुलरी के नोट्स हैं वो मस्त मस्त है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और साइंस के लिए सर जो मैंने प्रैक्टिस के लिए कोई बुक तो नहीं ली, जो आपने जो क्लासेस में बुक लेके आते थे वही वाली प्रैक्टिस करी हुई थी, एक अरिंद की थी शायद वही, और सर जो अनअकैडमी प्रैक्टिस क्लासेस थी वही कर ली थी साइंस के लिए। तो सर ठीक ये है, था बढ़िया। तो साइंस तो अप टू 10th स्टैंडर्ड तक आती है। साइंस तो मेरे हिसाब से किसी के लिए मेजर कोई पंगा रहता ही नहीं है, जनरली हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रहता है। उसके लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, लेक्चर्स लगा के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है सवालों को, उनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको आनी चाहिए। सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स, मैथ्स में तो यार है ही एप्लीकेशन सारी, आप फॉर्मूले रट के कुछ नहीं पहुंचोगे जब तक आप यूपीएससी लैंग्वेज चेंज कर देता है सवालों की। तो यस आप सर, यस उनको अप्लाई करना, कॉन्सेप्ट को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, तो जितने आगे बात करते हैं यार, एक बड़ा सवाल मेरे सामने आता है वो यस ये सर, है कि बहुत सारे बच्चों के एक मन में डाउट रहता है। देखिए आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप एसएसबी के लिए कोचिंग ली थी आपने, यस सर ली थी सर। ठीक है तो बात यहीं पे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपने रिटर्न के लिए भी कोचिंग ली, एसएसबी के लिए भी कोचिंग ली। मेरे मन में एक सवाल आता है जो बार बार बच्चे मेरे से पूछते हैं, और ऐसा मिथ फैलाया हुआ है मार्केट के अंदर कि कोचिंग लेना तो मतलब ब्रेन को खराब करना, दिमाग को खराब कर देना बच्चों के, उनको गलत मलत सिखा देना। आपका क्या व्यू पॉइंट है? हमने आपको क्या गलत सिखाया, या जिससे आपने एसएसबी की कोचिंग ली उन्हें क्या गलत ऐसा सिखा दिया कि आप सिलेक्ट ही हो गए? तो इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है आपका? क्योंकि बहुत जगह अरे बच्चे मेरे को बहुत, सर कोचिंग फलाने ने कहा जी वो तो खराब कर देती है जी, उस इसकी कोचिंग तो वो खराब कर देते हैं जी बच्चों को। तो ये क्या है ये, मतलब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। सर कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, एक मिथ है मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब लोग जैसे कोई एसएसबी में गया उससे कोई क्वेश्चन पूछा कोचिंग ली है, बोलता नहीं ली तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, तो बाहर आके फिर बोलते हैं कि मेरे मेरे से क्वेश्चन पूछा था एसएसबी बता दिया मैंने कोचिंग ली है तो उस वजह से बाहर हो गया। सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ग्रुप में सर 3 बच्चे थे जिन्होंने बताई थी कि कोचिंग लेके आए हैं, वो तीनों रिकमेंड हो गए सर, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो और काफी सर मैंने तो ऑफलाइन की भी कोचिंग ली, उसके बाद एसएसबी की भी रिटेन की और एसएसबी दोनों की ऑफलाइन कोचिंग ली, और दोनों की बता के भी आया था सर कि सर कोचिंग ली है, उससे फर्क नहीं पड़ता सर कोचिंग वगैरह से। सर उसमें कुछ गलत भी नहीं है ना, इंप्रूवमेंट के लिए तो हर कोई अपना सब कुछ करते हैं, अपने एफर्ट्स डालते ही हैं, बिल्कुल और टाइम है और गाइडेंस है, राइट गाइडेंस है तो हम चले गए सर, उसमें कोई गलत बात नहीं है सर। बिल्कुल। देखो यार मेरे हिसाब से तो आपको कहीं भी अगर पहुंचना है तो उसके लिए एक मेंटोर की तो जरूरत है ना। एनडीए में भी तो उस्ताद चाहिए ना आपको, जो आपको सर सिखाएंगे। आप बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, बिना किसी के लीडर के आप कैसे उसके सीखोगे लीडरशिप? जब तक आपके सामने एक मेंटोर ही नहीं है जिससे आप कुछ चीजें सीखोगे तो क्या होगा वो, चाहे वो एसएसबी हो चाहे रिटर्न हो। आप कुछ भी करना चाहते हो, आज के टाइम में कंपटीशन इतना है, ये बच्चे रियलाइज करें। 7 लाख बच्चे पेपर के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है। हर साल मैं खुद देख रहा हूं, मैं एग्जामिनेशन पढ़ा रहा हूँ, 50,000 बच्चा, 60,000 बच्चा हर एग्जामिनेशन साइकिल में बढ़ रहा है। और सर मेरी ये अजम्पशन है 2022 है ना, 2030 तक आप देख लेना ये बच्चा 15 लाख बैठेगा पेपर के यस अंदर, सर, 400 सीट्स के लिए। तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो आपको एग्जाम का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। अब इसमें कुछ गलत थोड़ी है। तो आईआईटी जेई वाले 2 साल कोचिंग लेते हैं तो क्या अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं? उनको सारे बर्बाद हो जाते हैं सिलेक्शन के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, टोटली मिथ है। तो अगर आप कोचिंग ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं ले सकते तो अपना यूट्यूब से और अपना ऑनलाइन क्लासेस लगाइए, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है करो, नहीं करती तो भी डिमोटिवेट मत हो। ऑनलाइन भी बहुत बच्चे निकालते हैं यार, जो एसएसबी की कोचिंग नहीं लेते वो भी निकालते हैं, रिटर्न की कोचिंग नहीं लेते वो भी। डोंट गेट डिसहार्टेंड, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में से निकाल दो। दूसरा सवाल मेरे पास आदित्य ये आता है, बड़ा क्वेश्चन, जो वो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन होल प्रोसेस, मतलब एनडीए की पूरी प्रोसेस में, रिटर्न से लेके एसएसबी तक। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? सर मेरा ओपिनियन तो यही है कि इंग्लिश तो कंपलसरी, इंग्लिश के बिना तो नहीं हो सकता, पर ऐसा भी नहीं है कि जो लोग सोचते हैं कि विलियम शेक्सपियर चाहिए उनको, ऐसा भी नहीं है। तो कम से कम उनको इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए, जो काफी लोग बोलते हैं कि एक्सेंट ऐसा होना चाहिए, एक्सेंट वैसा होना चाहिए, उतना फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश सामने वाले को समझ आनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल जो भी हम अपना ओपिनियन है, जो हमारा व्यू पॉइंट है, वो कम्फर्टेबली विदाउट फम्बलिंग ये सब बोलना चाहिए, तो उतना मोर देन इनफ है। अब वो प्रैक्टिस से हो जाता है, बैकग्राउंड कैसा भी हो मतलब प्रैक्टिस साथ हो जाता है एक टाइम के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हाई लेवल चाहिए, बिल्कुल। इतना ही नहीं, बहुत तो ज्यादा भी आप नहीं है।
ये इंग्लिश जितनी आप प्रैक्टिस भी करोगे, चाहे वो पेपर के लिए प्रैक्टिस करो चाहे स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, आपको काम आएगी पूरे प्रोसेस के अंदर। रिटन की तैयारी करोगे ग्रामर वगैरह, वो काम आएगी आपको रिटन के पेपर में। स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे वो काम आएगी आपको SSB इंटरव्यू में। तो मतलब आप ये समझिए कि इसके बिना आपका गुजारा नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इसके पड़े। लिए आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी बोलने के लिए आप कहीं कोर्स बाय कर लें, उसकी जरूरत नहीं है। आप लैंग्वेज को सीखते कैसे हैं, छोटा बच्चा लैंग्वेज को कैसे सीखता है, सुनकर और बोलकर। आप भी वही करिए, इंग्लिश को सुनिए और बोलिए, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, रेडियो सुनिए इंग्लिश वाले, या फिर न्यूज़ चैनल्स पढ़िए, या फिर मूवीज देखिए, वेब सीरीज देखिए जहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल्स हो, तेज तेज पढ़ना स्टार्ट करिए उनको। तो धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी एंड लिसनिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि SSB में लिसनिंग एबिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो GTO टास्क होते हैं उसमें GP होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, वो बोलता है GTO ऑफिसर, तो आपको पूरा सही ढंग से रिकॉल करना भी बड़ा जरूरी है और सुनना बड़ा जरूरी है। तो एक एक चीजें यहाँ बारीक से आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी SSB के लिए भी, ठीक है। तो आदित्य आगे बढ़ते हैं यार। एक फेस ऐसा भी आता है प्रिपरेशन के दौरान, जैसे बच्चों का भी आ रहा है, पेपर है अप्रैल में, 16th अप्रैल को, दिसंबर के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, मतलब दो महीने हो गए हैं। तो मतलब बच्चे ना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतना लंबा टाइम पीरियड है, पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर स्कूल के बोर्ड आ गए, कॉलेज के पेपर आ गए। तो इन सब ये प्रॉब्लम्स है जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं प्रिपरेशन के दौरान, इससे कैसे फाइट करे एक नॉर्मल बच्चा, और आपने कैसे किया था? तो मेरे को लगता है सर, जो ऐसी जब कई बार होता है ऐसे प्रिपरेशन के टाइम पे होता है कि नहीं हो रहा, क्या होगा कैसे होगा, और एक बार ऐसा होता है ना कुछ समस्या नहीं आता, तो सर मुझे तो लगता है जो सराउंडिंग होती है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि खास करके जो ऑफलाइन का माहौल बताते हैं ना, तो उसमें एडवांटेज क्या रहता है, जैसे कि हम रूम पे हैं, अगर हमारे ऐसा लग रहा है कि आज चलो कुछ करने का मन नहीं कर रहा या फिर कुछ हो नहीं रहा, तो कम से कम साथ वाले होते हैं ना, रूममेट वगैरह होते हैं या फिर कोई दोस्त वगैरह होता है, तो अगर वो कर रहा है तो उसको दे दे के हमें भी करना होता है, तो वो मोटिवेशन डिमोटिवेशन सब रह जाता है, पीछे करना ही पड़ता है फिर, तो हाँ ये ये बात, एडवांटेज रहता है। तो अगर 4-5 दोस्त हैं जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका काफी एडवांटेज रहता है कि अगर मेरा आज ऐसा नहीं है कि क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं करना मेरे को, तो एक फोन करके बोलेगा आज तेरा क्या करना है, तो अपने आप ही हो जाएगा कि आज मैं ये कर लेता हूँ। तो कोई साथ वाला सराउंडिंग होना चाहिए, उसके साथ साथ फ्लो में अपना भी हो जाता है, तो ये रहता है। अकेले करने में थोड़ा ऐसा रहता है, कई बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और साथ में करेंगे तो डिमोटिवेशन के चांस कम रहते हैं, कोई है अपने साथ करने वाला, ऐसा रहता है। तो ये बिल्कुल एक है कि अपनी सराउंडिंग अच्छी रखो और अपने 2-4 ग्रुप का दोस्त है उनके साथ प्रिपरेशन करो एक साथ। ये बात बहुत अच्छी बोली आदित्य ने, और इसकी बात से मुझे याद आता है, इनका ना हॉस्टल का कमरा होता था वो हवेली के अंदर, वो लास्ट वाला, वहां पे ये प्रियांशु, लंबा सा लड़का था वो, गोरा सा, ये प्रियांशु और एक वो मन्नू और अशिष एक दो लड़के और थे, हाँ एक लक्षित उसका लक्षित साथी था, हाँ हर्षित, हर्षित 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 जो पहलवानी करता था, एक लड़का और, लक्षित लक्षित हाँ लक्ष्य, सॉरी हाँ लक्ष्य। तो वो तुम सारे वहां बैठ जाते थे, है ना, पढ़ने वहीं पे ही रहते थे तुम, याद आ गया मुझे पूरा कमरा। ये बहुत अच्छी बात बोली, और इससे हाँ सही बात है बिल्कुल, आप संगति का असर बड़ा पड़ता है यार। देखो यस अगर सर आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठोगे तो आपकी सोच अच्छी रहेगी और उसी गोल की तरफ रहेगी जिस गोल की तरफ वो काम कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड ग्रुप के साथ बैठोगे जिन्होंने करनी रात को पार्टीज हैं, घूमने जाना है, ट्रिप्स के प्लान बनाने हैं, तो आप भी उसी तरफ इंक्लाइन हो जाओगे। यस सर तो आप उसी ग्रुप के साथ बैठे जिनका गोल सेम हो आपका, तो आप एक डाउन हो तो दूसरा मोटिवेट कर दे, दूसरा डाउन हो तो पहले वाला मोटिवेट कर दे। ये बात बहुत अच्छी बोली है, यही एक ग्रुप में पढ़ने का फायदा भी होता है अगर आप एक जगह पे बैठ के स्टडी कर रहे हो, एक ही गोल के लिए काम कर रहे हो, यस सर ठीक है। आदित्य मैं ना इंटरव्यू के बारे में आपसे कुछ सवाल है, यस क्योंकि सर पर्सनल इंटरव्यू एक बहुत, मतलब दैट इज दी ओनली टाइम जहां पे आप एक ऑफिसर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, 1-to-1, जहां बंद यस कमरा है जी, आप बैठे हो सामने, ऑफिसर बैठे हैं टेबल पे और आपके पास चेयर है जिसके ऊपर आर्मरेस्ट भी नहीं है, तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर पूरा नजर आता है। सर तो इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसे पॉइंट्स जहां पे आपको लगाओ यार आदित्य यहां मैं प्रॉब्लम में हूं। इस वाले SSB में तो ऐसा कोई दिक्कत था नहीं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे वो PI के रिलेटेड ही थे, तो वो भी अच्छा सा चला गया। उसके बाद फिर नॉलेज वगैरह पिछले थे, वाले में क्या दिक्कत रही? तो जो मेरा फर्स्ट SSB था सर, उसमें जो इंटरव्यू था उसमें रैपिड फायर क्वेश्चंस भूल गया था सर मैं काफी सारे, मतलब अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछे सर 12-14 क्वेश्चन एक बार में पूछ लिए, तो मैंने 3-4 बताए। फर्स्ट SSB था तो नर्वस भी था थोड़ा सा, नर्वसनेस थोड़ी सी रहती है फर्स्ट SSB में, तो सर उसके बाद 3-4 बता के भूल गया। उन्होंने सर ने फिर से रिपीट किए, तो सर फिर से एक तो बताया फिर भूल गया,
तो फिर मैं तीसरी बार उनसे पूछा तो घूर घूर के देखने लग गए सर, तो डर लग गया था सर, फर्स्ट टेस्ट में तो भूल गया काम, वही अच्छा, वाला तो है। ये जो रैपिड फायर की बात कर रहा है ना आदित्य, ये ना सेट ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछता है 10 से 12 के करीब, जो आपसे ही रिलेटेड होता है, ठीक यस सर, है? मतलब हु इज योर फेवरेट टीचर, व्हाट इज योर वर्स्ट एक्सपीरियंस इन योर स्कूल, हाउ मच पॉकेट मनी डिड यू गेट इन योर स्कूल, और व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, हाउ मच मार्क्स डिड यू स्कोर इन योर क्लास 12th एग्जामिनेशन, ऐसे ही लगातार इसी सेम फ्लो में आपसे 10 से 12 सवाल पूछ देगा इंटरव्यूअर, एंड नाउ ही विल एक्सपेक्ट दैट यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चन इन द सेम सीक्वेंस जो मैंने यस पूछे हैं। तो ये लिसनिंग एबिलिटी, इसीलिए मैंने आपको कहा बहुत जरूरी है, कि यस आप सर, तो आजकल के यूथ में क्या है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वही प्रॉब्लम आपको इंटरव्यू में आएगी। अगर आप अच्छे ढंग से इंटरव्यूअर की बात नहीं सुनोगे तो वो आपको क्यों सिलेक्ट करेगा यार, ठीक है? ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप वो आंसर, एटलीस्ट अगर आप सेम सीक्वेंस में नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम 80% सवालों के आंसर तो दो आप, चाहे सेम सीक्वेंस भी छोड़ो आप, ठीक है? तो वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को ये चीजें दिमाग के अंदर रखनी पड़ेगी कि इतना भी हलवा नहीं है, अगर आप तैयारी करके जाओगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। बहुत है सर, अच्छा आदित्य, कंपटीशन भी बहुत हाँ कॉम्पिटिशन भी बहुत है आदित्य, कोई स्क्रीनिंग से रिलेटेड टिप यार, बहुत बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, कुछ आपका पर्सनल नुस्खा जो यार आपको लगे कि यार ये हेल्प करता है स्क्रीनिंग में? सर। स्क्रीनिंग में सबसे पहले जो मुझे लगता है, अगर आप कोई पिक्चर आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है पहले से, अगर आपके दिमाग में है, अगर वो पिक्चर फंस जाती है तो उस पर अगर कोई पहले वाली बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बाहर से प्रैक्टिस कर रखी है कुछ पिक्चर, 8-10 जितने भी 20-25 पिक्चर प्रैक्टिस कर रखी है, तो अगर वही पिक्चर रिलेटेड फंस जाती है तो अगर आप पहले से वो स्टोरी बना रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके दिमाग में रहेगी। और जो 15-20 मिनट का, 25-30 मिनट का टाइम मिलता है ना जो स्टोरी लिखने के बाद नरेशन से पहले, तो उसमें कई बच्चे क्या करते हैं सर, बात करने लग जाते हैं या फिर इधर उधर करने लग जाते हैं। उससे बेटर है कि अपनी स्टोरी अपने मन ही मन में रिवाइज करते जाओ, और आप अपने बाथरूम मतलब आसपास कहीं भी लेफ्ट राइट हो जाओ और जल्दी जल्दी नरेट करते जाओ। एक बार मुंह से बोल के भी नरेट कर लो बाहर बाथरूम में ही, जहाँ पर भी आसपास जगह मिल जाए सर, तो उससे एक फ्लो बन जाता है। और जाने से पहले जैसे आप स्क्रीन में बैठोगे तो फ्लो में ही हो जाएगा। उसके बाद जो बिल्कुल जीडी आता है जैसे, तो जीडी में क्या होता है, बोलने का मौका ही नहीं मिलता था किसी को, बिल्कुल फिश मार्केट टाइप हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि अपना मौका ढूंढना पड़ता है उसमें, कि कब बच्चे चुप हो जाए तब बोलना है, पर बोलना तो पड़ेगा सर। कई बार स्क्रीन आउट बच्चे इसलिए जाते हैं कि वो सुनते ना, मतलब कम बोलो कम बोलो सर, बोलना तो पड़ेगा, बोलने बिना तो कम से कम चांस तो निकालना पड़ेगा बोलने के लिए। और ज्यादा फिश मार्केट में मत बोलो, 3-4 लोग जब बोल रहे हैं तब शांत हो जाओ, जैसे ही कोई चुप होता है तब अपना पॉइंट, तो जल्दी से 3-4 पॉइंट तो मोर देन इनफ है। तो यही है सर स्क्रीनिंग के लिए। तो और बाहर से जो ऑनलाइन पीपीटी के लिए प्रैक्टिस करेगा दोस्तों के साथ, तो उधर से वो हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा पीपीटी का, प्रैक्टिस करके जाओ, मोर देन इनफ करके जाना अच्छे से। बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं एक टिप दे देता हूँ बच्चों, आप सब लोगों को, अगर आपको प्रैक्टिस की कमी लग रही है ना यार, मतलब आप कर चुके हो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको छोटा सा टिप देता हूँ, कहीं भी आप बाजार में जाएं तो आपको कहीं लगे कि यार ये सीन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए आप, सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे मार्केट गए, मार्केट में आपने देखा कि बाजार में क्या हो रहा है जी, वहां पे फोटो क्लिक कर ली और घर आके उसके ऊपर एक स्टोरी लिख दो। रोज कम से कम आप एक या दो स्टोरी भी लिखेंगे ना, कितना टाइम लगेगा यार, 4 मिनट मिलते हैं, 4 4 8 हो गए, 8 मिनट अगर आप दिन के रोज निकाल लें स्टोरी लिखने में, 2 मिनट चलो समझने के भी हो गए, 10 मिनट में आप 2 स्टोरीज लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो आपको क्या है, यू विल नेवर बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स स्टोरी के अंदर। बच्चे गलती ही करते हैं, उनको शब्द ही नहीं मिलते लिखने के लिए, तो आप जब तक लिखोगे नहीं, स्टोरी राइटिंग की टेक्निक्स नहीं आएगी आपको, तो कैसे परफॉर्म करोगे? पीपीटी में भी लिखना है, उसके बाद 12 स्टोरीज टीएटी में भी लिखनी है, तो जब तक आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं। दूसरा एक छोटा टिप, या मैं आदित्य से ही पूछता हूँ, आदित्य एक आपने, आपको भी ऐसे बच्चे जरूर मिले होंगे आपके साथ में, जो सारा दिन सिर्फ एनडीए 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 करते रहते हैं, एनडीए में ऐसा होता है, एनडीए में वैसा होता है, और फलाना होता है, ढिमका होता है। उनसे जितनी मर्जी पूछ लो, स्क्वाड्रन इतनी है, ये सब हो रहा है जी, सेकंड टर्म को ये हो रहा है, थर्ड टर्म को ये हो रहा है, बट पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, ठीक है ना? तो वो बच्चे तो हो जाते हैं फेल। तो आपको ऐसे बच्चे जरूर मिले होंगे, तो जो कोई देख रहा है जो ऐसी गलतफहमी का शिकार है, आदित्य आप कुछ बोलना चाहेंगे उसको? सर उसके लिए ये बोलना चाहूंगा सर, एनडी को स्क्वाड्रन पता होने से रिटर्न के टाइम पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, और एसएसबी के टाइम पर भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, पर ये भी नहीं कि अंदर क्या चल रहा है पूरा। सर उनके लिए ये है कि अपना जब रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो एसएसबी के बारे में तो मत ही सोचो, और ज्यादा हवा में भी नहीं रहना, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, रिटर्न बिल्कुल पे फोकस करो। अगर रिटर्न नहीं हो पाएगा तो क्या ही करोगे सर, एनडी को स्क्वाड्रन का और इन सब का कोई बिल्कुल मतलब नहीं बनता उस चीज का, वेस्ट ऑफ टाइम है वो पूरा।
बिल्कुल। तो ये जो जितने ही व्हाट्सएप पे स्टेटस आप लगाते हो, इंस्टाग्रामों पे लगाते हो, अभी अभी से कुछ फायदा नहीं है। आप रिटर्न क्लियर कर लो, SSB क्लियर कर लो, डालते रहो जितना डालना है आपको, कोई ज्वाइनिंग के रोकेगा बाद थोड़ी उस चार पर। महीने मिलेंगे, ज्वाइनिंग के बाद तो ज्वाइनिंग से पहले 3-4 महीने मिलेंगे सर, हाँ, उस उसमें टाइम जितना हम मर्जी वही करो, कर आप लेते हैं। जितनी मर्जी शेयरबाजी करो, जितना मर्जी डालो आप कंटेंट, दुनिया देखेगी और आपके ऊपर हंसेगी नहीं, आपके लिए तालियां बजाएगी, क्योंकि आपने अचीव किया वो काम, ठीक है ना। यस इससे पहले डालोगे तो कोई फायदा नहीं है। देखो मैं तो ऑनेस्टली आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डालते भी रहोगे, लोग 2-4 बार देखेंगे, उसके बाद कहेंगे बेवकूफ करता तो है नहीं कुछ, सिर्फ यस सारा दिन मोटिवेशन 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 ही है वो। अब उस यस मोटिवेशन को काम पे भी तो लगाओ, तभी तो कुछ होगा, ठीक है। तो अपने आप अच्छा ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन देते हैं कि हम लोग इस काम के लिए कर रहे हैं, तो वो अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला हाँ, दिन हाँ, मतलब। एक तो ये है, और एक अपने ऊपर कभी तरस मत खाया करो यार, बहुत बच्चे ना तरस बड़ा खा जाते हैं। मैंने एक चीज देखी है यार, आज बहुत कर लिया काम, आज तो बस आज नहीं करूंगा इतना, बहुत थक गया हूं मैं, इतने दिन से करता आ रहा हूँ। नेवर फील पिटी ऑन योर सेल्फ यार, आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना, मेरे या इसके लिए थोड़ी कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी, आपके पेरेंट्स के लिए जिंदगी बदलेगी, दे विल फील प्राउड, अपने देश की आप स्थिति बदलोगे अच्छा अफसर बन के। तो इसमें मेरा और इसका फायदा नहीं है, फायदा आप ही का ही है, और आप कमजोर पड़ोगे तो नुकसान भी आप ही का ही है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझिए, क्या है ना, जब देखो अभी तो सारे आपको बोलते रहेंगे, अगर आप फेल हो गए ना तो सारे आपको गालियां निकालेंगे, अगर यस आप पास हो गए तो जब फसल की कटाई होती है सारे अपना अपना हिस्सा मांगते हैं, क्यों देते हैं, सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, बिल्कुल तब सर, सब कहेंगे आपको, तब सब कहेंगे हम बिल्कुल तो बचपन से जानते थे जी फलाने का बच्चा ऐसा, ये तो बहुत बढ़िया है, ब्रिलियंट है ये। अगर आप फेल हो गए सारी दुनिया गाली निकालेगी आपको, ठीक है ना। तो ये यस बात अपने सर, दिमाग में ऐसा मोटिवेशन लेके चला करो, यस सर, ठीक है ना। आदित्य, एक ना टाइमिंग का बड़ा कॉन्स्ट्रेंट रहता है मेरे हिसाब से ना, एनडीए कंसेप्चुअली से ज्यादा ना टाइमिंग का पेपर है, यस सर, क्योंकि वहां 120 सवाल आ रहे हैं और 2.5 घंटे, यस सर, कॉन्सेप्ट्स 11th और 12th के पूरे हैं, जो जेई में कॉन्सेप्ट्स है वही एनडीए में कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना। जेई में टाइमिंग ज्यादा है, सवाल भी कम है, यस तो सर, वो थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर है, उसमें सोचना समझना ज्यादा है। एनडीए में सोचने समझने वाला सवाल कम होता है और टाइमिंग में ज्यादा होता है। तो यस ये सर, जो शॉर्ट ट्रिक्स वाला फंडा है, ये कम टाइम में ज्यादा सवाल करने की ट्रिक है, ये कैसे कैसे आपने हासिल कैसे किए? तो मैं तो सर आपके पहले YouTube के लेसन देखता था, तो वहाँ से एक आइडिया लग जाता था। ऊपर से जब मैं ऑफलाइन में था सर, तो अभी भी याद है मेरे को सर, हम खास करके जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह चैप्टर्स थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, वो तो हमने पूरा शॉर्ट ट्रिक से ही करा था, पुट कर करके, इसको ऑप्शन पुट करके या फिर थीटा की वैल्यू पुट कर करके। तो आपकी वीडियोज देख देख के सर, शॉर्ट ट्रिक्स मोस्ट ऑफ, आप भी शीट लेके आते थे तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लिखी रहती थी सर, और क्लास में शेयर कर लेते थे ना, उसी से हो जाता था मेरे शॉर्ट ट्रिक्स का। तो वही था जो आपने बताया था, वही फॉलो कर लिया था, उससे हो गया था शॉर्ट ट्रिक वाला सर मेरा पूरा क्वेश्चन। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस देखो है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा ऐसा हूँ, बिल्कुल ऐसा, और करना ही पड़ेगा आपको, यस सर, कंसेप्ट से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक ही सीख ली। देखो आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला, आपसे कोई यस डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं पूछने वाला कि क्या है भाई डिफरेंशिएशन, आपसे ये यस पूछेगा अगर इंप्लीसिट फंक्शन कर रहे हो तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, सीधा शॉर्ट ट्रिक लगाओ, एक्स के रिस्पेक्ट माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करो, वाई के रिस्पेक्ट में करो, खत्म। एक अब होना चाहिए पूरा आप सर, उसको लॉन्ग मेथड में करोगे जी, dy/dx निकालोगे जी, पूरा पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट करोगे जी, फिर जाके एक्स को अलग रखोगे, वाई को अलग रखोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर तो हो लिया काम, एनसीईआरटी थोड़ी है यार, यस सर, आपको टेक होना बोर्ड के हिसाब चाहिए, से 6 नंबर नहीं मिलने या 4 नंबर नहीं मिलने, यस सर, मिलने तो वही उसी के हिसाब से नंबर है, ठीक है ना। जो 2.5 मार्क है वो 2.5 मिलेंगे, GAT के नंबर 4 नहीं दे देंगे आपको, यस सर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंग्लिश आ गया, फिर साइंस आ गया, फिर जनरल स्टडीज का पोर्शन आ गया, क्योंकि जनरल स्टडीज अगर आप नॉन मैथ्स मैथ से हैं तो फिर तो आपका थोड़ा सा वीक रहता है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, उसमें भी आप लेक्चर्स प्लस 10,000 MCQ की जो बुक आ रही है उसमें प्रैक्टिस करें। मैथ के लिए आदित्य ने बताया, अगर आप बेसिक से कर रहे हैं तो आप लेक्चर लगाएं, प्लस RS अग्रवाल पढ़े, फिर 3,000 MCQ पढ़े, या फिर असाइनमेंट्स करनी है तो मेरी असाइनमेंट्स, या फिर बुक आप फॉलो कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करें, ये बैलेंस्ड है जी पूरा कंप्लीट। इस तरीके से अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10th स्टैंडर्ड तक की साइंस आती है, नई साइंस पढ़ोगे, PYQs भी कर लोगे तो भी फंस जाएंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। अच्छा पढ़ना कितने घंटे है, इसके ऊपर भी कुछ चर्चा? सर मेरा तो यही है सर, मैं हमेशा सबको यही बताता हूँ कि कभी टाइम ला के नहीं पढ़ने का फायदा नहीं होता सर, बिल्कुल, मतलब बोलते हैं 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, कोई बोलता है मैं 4 घंटे कैसे पढ़ो, आउटपुट कैसे निकाल सकता हूँ, दोनों के आउटपुट अलग अलग है, मेरी अलग, आपकी अलग, तीसरे बंदे की अलग,
हाँ सर, मैं तो सर सबको ये बताता हूँ कि अपना टारगेट ला के बढ़ो। सर आज अगर 100 क्वेश्चंस करने हैं तो 100 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी के 100 क्वेश्चन करने हैं, तो चाहे मैं 4 घंटे में करूँ, चाहे 8 घंटे में करूँ, चाहे 10 घंटे में करूँ, तो वो 100 तो होने ही चाहिए। उसके बाद सब एडिशनल है। एक बार 100 क्वेश्चन हो गए, फिर मैं जीएस भी प्रैक्टिस कर लूंगा, इंग्लिश भी प्रैक्टिस कर लूंगा। पहला टारगेट ये है, अगर वो पहला टारगेट अचीव हो जाता है ना, 100 क्वेश्चन वाला, 80 क्वेश्चन वाला, जितना भी है, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाता है आगे के लिए। फिर बिल्कुल मैं उसके बाद इंग्लिश भी प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ ना, तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ जाऊंगा। तो वो वाली बात है सर, टारगेट बिल्कुल होना चाहिए कि आज ये वाला टॉपिक खत्म करना है, या फिर ये वाले लेक्चर्स खत्म करने हैं, 4 लेक्चर्स लेने हैं मेरे को, ये वाले अपने टारगेट खुद के होने चाहिए। टाइम लगा के कोई फायदा नहीं होता सर, किताब ठीक है, खोल के बैठता। बिल्कुल। तो ठीक है आदित्य, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, ठीक यस सर, है। मेरे और आप एक मोटिवेशन है सारे एनडी एस्पिरेंट्स के लिए, आपने जो अचीव किया सारे बच्चे ड्रीम करते हैं, और बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट आपसे मोटिवेट होंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। एंड मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप भी बहुत जल्दी अच्छा करेंगे। जो 16 अप्रैल को पेपर आ रहा है, आपके पास अच्छा टाइम पीरियड है, आप भी मोटिवेटेड रहे, काम करें, मेहनत करें। मेहनत से ही होगा, प्रैक्टिस से ही होगा, और कोई छोटा मेथड नहीं है, छोटा मेथड इन द सेंस कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है हमारे पास, चलने का बिल्कुल रास्ता वही है, ये भी उसी पे ही चला है। कठिन जरूर है, बट चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कठिनाइयों को दूर करते हुए मेहनत करोगे तो हो जाएगा आपका भी क्लियर, ठीक है आदित्य। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर ज्वाइनिंग लेटर, जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, एंड बहुत जल्दी आप एनडीए जाएंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छा करेंगे आप एनडीए के अंदर, ठीक है। ठीक बिल्कुल है, जय हिंद, गॉड ब्लेस। जय हिंद सर।